सो दिस इज़ द केस बिटवीन कार्लिल एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो कि हुआ था 1893 में आइए इस केस के बारे में जानते हैं सो फैक्ट्स ऑफ द केस जान लेते हैं इस केस में क्या होता है ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है स्मोक बॉल्स विच प्रिवेंट्स एंड क्योर्स इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा इट इज़ अ काइंड ऑफ कोल्ड एंड फीवर और इस इन्फ्लुएंजा को ये स्मोक बॉल प्रिवेंट भी करती है एंड क्योर भी करती है ठीक है एंड इस कंपनी ने एडवरटाइज करा इन द न्यूज़पेपर कि हंड्रेड पाउंड्स का रिवॉर्ड मिलेगा जो कोई भी जिसको भी इन्फ्लुएंजा होगा आफ्टर कंज्यूमिंग द स्मोक बॉल ऑफ द कंपनी एज डायरेक्टेड यानी कि अगर आपने कंपनी की स्मोक बॉल यूज़ करी और जैसा उस स्मोक बॉल में डायरेक्शंस लिखे थे आपने स्मोक बॉल को वैसे ही यूज़ करा ठीक है और फिर भी आपको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा हंड्रेड पाउंड्स का ठीक है और कंपनी ने वन थाउजेंड पाउंड्स डिपॉजिट कर दिए किसी एलियंस बैंक में इन केस ऑफ एनी क्लेम यानी कि अगर कोई ये रिवॉर्ड क्लेम करता है तो उस रिवॉर्ड को देने के लिए ये वन थाउजेंड पाउंड्स डिपॉजिट कर दिए गए इन द बैंक बाय द कंपनी ठीक है मिसिस कार्लिल एक कस्टमर थी एक कंज्यूमर थी इस स्मोक बॉल की ठीक है उसने इस प्रोडक्ट को यूज करा एज डायरेक्ट जैसे बताया गया था बिल्कुल वैसे ही यूज करा लेकिन मिसिज कार्लिल को फिर भी इंफ्लुएंजा हो गया इसीलिए शी फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ हंड्रेड पाउंड्स फ्रॉम द कंपनी जो रिवॉर्ड हंड्रेड पाउंड्स का था बाय द कंपनी उसको क्लेम करने के लिए उसकी रिकवरी के लिए क्योंकि कंपनी पे नहीं कर रही थी सो so, उसकी रिकवरी के लिए केस फाइल कर दिया अगेंस्ट द कंपनी ठीक है अब यहाँ पे कोर्ट के सामने क्या इश्यू आ जाता है दैट वेदर द लैंग्वेज इन द डिफेंडेंट्स एडवर्टीजमेंट यानी कि जो कंपनी ने एडवर्टाइज करा है रिगार्डिंग द हंड्रेड पाउंडस रिवॉर्ड वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है क्या दैट वॉज मीन टू बी अ जनरल ऑफर या फिर वो सिर्फ एक सेल्स पफ है यानी कि जो लैंग्वेज यूज करी गई एडवर्टीजमेंट में वॉज दैट मीन टू बी लीगली बाइंडिंग या फिर इट वॉज़ जस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट इट सेल्फ राइट सो दिस वॉज द इश्यू एंड कंपनी ने क्या आर्ग्यू करा कंपनी कहती है कि एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी गिवन टू एन ऑफर टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अगर ये जनरल ऑफर है और इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सामने से एक्सेप्टेंस तो आनी चाहिए मिसेज कार्ल ने कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं दी हमें सो so, इसीलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है राइट right. सो so, अब कोर्ट का जजमेंट देख लेते हैं सो द जजमेंट ऑफ द कोर्ट वॉज दैट दैट मिसेज कार्ल वज एन टू रिसीव हंड्रेड पाउंड फ्रॉम द कंपनी ऐसा क्यों दैट ये कहा कोर्ट ने दैट द कंपनी इज क्लेम दैट वन थाउजेंड पाउंड्स वॉज डिपॉजिटेड एट द एलियंस बैंक शूट द सीरियस इंटेंशन टू बी लीगली बाउंड कंपनी का हजार पाउंडस एक एलियंस बैंक में डिपॉजिट कर देना इन केस ऑफ एनी क्लेम राइट रिवॉर्ड के जो हंड्रेड पाउंड्स हैं उनको पे करने के लिए कंपनी ने वन थाउजेंड पाउंड्स एलियंस बैंक में डिपॉजिट कर दिया दैट शूट दैट द कंपनी इज वांटिंग टू बी लीगली बाउंड राइट एंड अगर वो लीगली बाउंड होना चाहती है तो इट इज डेफिनेटली अ जनरल ऑफर बिकॉज इट इज एन ऑफर मेड टू दब्लिक एट लार्ज राइट इट द एडवर्टीजमेंट वॉज पब्लिस्ड ऑन वेरियस न्यूज पेपर्स राइट सो इन अ जनरल ऑफर द कोट सेड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस इन द ऑफर इज सफिशियंट टू बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस एंड इट नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड यानी कि जनरल ऑफर में आपको एक्सेप्टेंस की कॉम्युनिकेशन देना ज़रूरी नहीं है अगर आपने उस ऑफर की जो कंडीशंस हैं उनको ही परफॉर्म कर लिया है दैट इज सफिशेंट राइट दैट इज़ इट्स सेल्फ सफिशेंट और मिसेस कार्लिल ने ने क्या करा था मिसेस कार्लिल ने एक्सेप्टेड द ऑफर बाय एकम्प्लिशिंग इट्स टर्म्स मिसिस कार्लिल ने क्या टर्म्स एक्म्पलिश करी ऑफर की ऑफर में थ्री तीन टर्म्स थी दैट इज पहला कि आप स्मोक बॉल यूज़ करें एंड दूसरा उस स्मोक बॉल को एज डायरेक्टेड बाय द कंपनी जैसा कंपनी कहती है बिल्कुल वैसा ही यूज़ करें एंड तीसरा कि आपको उसके बाद भी इन्फ्लुएंजा हो जाए दीज आर द थ्री टर्म्स ऑफ द ऑफर तभी आप एंटाइटल्ड होंगे फॉर द रिवॉर्ड ऑफ हंड्रेड पाउंड्स सो मिसेस कार्लेल अकम्पलिस्ड ऑल इट्स टर्म्स एंड नाउ शी वॉज एंटाइटल टू रिकवर द रिवॉर्ड ऑफ हंड्रेड पाउंड्स राइट So that is uh, how the case was. Thank you for joining me in this video.